वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक वोकेशनल। अज भी इस वीडियो आप न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेड थ्री का चैप्टर नंबर 5 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका फर्स्ट टॉपिक है एफईटी। एफईटी का एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। प्लस वन दे विच अपा ट्रांजिस्टर बीजेटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल जिहड़ा ट्रांजिस्टर हुंदा है उसनू बीजेटी कहा जाता है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जिहड़ा एफईटी है वह भी एक ट्रांजिस्टर है, लेकिन इच डिफरेंस है यह हैगा यूनीपोलर ट्रांजिस्टर। इस दे विच इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों करके कंडक्शन हुंदी है, लेकिन एफईटी का मेन डिफरेंस यही है कि सिर्फ एक कैरियर करके कंडक्शन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स करके या फिर होल्स करके। सब तो पहला हुण आपां इहदी डेफिनेशन करते हाँ। डेफिनेशन च आपां लिखांगे कि एफईटी नूं यूनीपोलर ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसनों आपां अगर होर डिटेल च लिखना होवे तां लिख सकते हाँ, क्योंकि इस दे विच एक मेजोरिटी कैरियरस करके कंडक्शन होंदी है, एक होने करके इसका नाम है यूनीपोलर ट्रांजिस्टर, या इलेक्ट्रॉन्स करके या फिर होल्स करके। एफईटी एक थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। केड़े-केड़े थ्री टर्मिनल्स ने? गेट, सोर्स, ड्रेन। मैं नाल दी नाल वीडियो विच एफईटी दा बीजेटी नाल कंपैरिजन भी करती जाऊंगी, ताकि तुहानू इन्हां दोनों का डिफरेंस पता लग जाए, या फिर एफईटी दी लोड क्यों है अगर बीजेटी साडे कोल पहले ही ट्रांजिस्टर हैगा। ये पॉइंट भी तुहाडे क्लीयर हो जाएंगे। जिहड़ा एफईटी है वह काफ़ी हद तक बीजेटी नाल मिलता है। उस दे विच भी तीन टर्मीनल हुंदे ने, इस दे विच भी थ्री टर्मीनल ने। इहदे विच किहड़े किहड़े सीगे? बेस, अमिटर, कलैक्टर। जिहड़ा साडा गेट है एफईटी दा वह हुंदा बेस दे कोल, सोर्स साडा हैगा अमिटर, ड्रेन साडा हैगा कलैक्टर। ये तीनों भी उदां ही काम करते ने। गेट ते असी जदों वोल्टेज दिंदे आ उहदे नाल असी कंडक्शन नूं कंट्रोल करते हैं कि किन्नी जल्दी असी चाहुंदे आ साडे एफईटी चों करंट पास करे। वो डिपेंड करता है तुसी गेट वोल्टेज किन्नी दित्ती है। एफईटी नूं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि गेट नूं इनपुट दे के असी इसकी कंडक्शन नूं कंट्रोल करते हैं। इसे करके कहने हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जिहड़ा साडा सोर्स है इत्थों साडे मेजोरिटी कैरियरस एंटर करते हैं। जिहड़ा साडा ड्रेन है इत्थों ओह कैरियरस बाहर निकलते ने, भाव असी कलैक्ट करते हाँ करंट नूं। नैक्सट आपां डिटेल च इहनूं करांगे अगे। इस दे विच सिर्फ एक टाइप दे कैरियरस हुंदे ने, या पी या फिर एन, पी टाइप या फिर एन टाइप। इन्हां दे बिहाफ ते इस दीआं जिहड़ीआं टाइप्स ने ओह टू टाइप्स ने, या तां पी चैनल एफईटी हुंदा या फिर एन चैनल एफईटी हुंदा। ए सीगी अपनी डेफिनेशन एफईटी। टाइप्स की गल करिए, सिंबल है, सिंबल देखो बने हैं, गेट लिखे है, सोर्स है, ड्रेन है। अगर तो पी चैनल है एरो इनसाइड हुंदा है, अगर एन चैनल है तो एरो आउटसाइड हुंदा है। नैक्सट आप करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एफईटी एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं। ए अपनी स्ट्रक्चर पी टाइप एंड एन टाइप की। सब तो पहला आप गल करते हैं पी चैनल एफईटी बारे। इस दे विच आ साडा चैनल है, इसनू चैनल या सबस्ट्रेट बोलिया जाता है। ये पी टाइप मटीरियल दा है। अगर पी चैनल है तो सबस्ट्रेट या फिर चैनल साडा कादा होएगा? पी टाइप सैमीकंडक्टर मटीरियल दा। इहदियां दोनों साइडां ते एन टाइप नूं डिफ्यूज किया गया, भाव एन टाइप इंप्योरिटी इहदे विच डिफ्यूज करती, फिर दोनों नूं कंबाइन करके इत्थे साडा टर्मिनल बन गया
गेट, यही गेट साड़ी कंडक्शन ऑफ करंट नू कंट्रोल करता है, इसीलिए साड़े एफईटी नू कहा जाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। गेट वोल्टेज दे इनक्रीज और डिक्रीज नाल ही एक कंडक्शन ऑफ करंट वधूगी अते कटूगी। जेडे साड़े ड्रेन एंड सोर्स ने ओमिक कनेक्शन दे नाल एथे दोनों नू टर्मिनल्स नू जोड़िया हुआ है, सेम एन चैनल च है। जे एन चैनल एफईटी की गल करिए जेड़ा साडा सबस्ट्रेट अते चैनल है वह एन टाइप सैमी कंडक्टर है, इहदियां दोनों साइडां ते पी टाइप इंप्योरिटी नू डिफ्यूज करके दोनों नू कंबाइन करके इत्थे साडा टर्मिनल बन गया गेट। जदों ये डिफ्यूजन का प्रोसैस हुंदा है, आपां फर्स्ट की गल करते हैं, जिवें पी और एन नू जदों डिफ्यूज किया तां इत्थे की बन जाएगी डिप्लीशन लेयर। ਇਹ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਡਥ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਟੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਡਰੇਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਕਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੇਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਇਸਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਬਾਈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਾਈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਸਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਇਸਦੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਆਫ ਐਫਈਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ VI ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਐਫਈਟੀ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਐਫਈਟੀ ਔਰ ਐਫਈਟੀ ਔਰ BJT ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।